हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? और मुझे आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। भाई, आज के एपिसोड में मैं बताऊंगा कि हाउ टू प्लेस अ फाइल इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो एक फाइल को हम कैसे प्लेस करेंगे इस डॉक्यूमेंट में। तो चलिए, मैं एक कुछ डिजाइन बनाया हूँ और ये मैटर कर्व नहीं है हालांकि, और मैं इस बॉक्स डिजाइन को अभी के लिए मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं डेस्कटॉप पे प्लेस के नाम से डाल देता हूँ, प्लेस। ठीक है, ओके, ऐसे भी ओके, और इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ और एक फाइल खोल लेता हूँ, सॉरी डॉक्यूमेंट, और मैं इसमें प्लेस करना चाहता हूँ। तो फाइल में गया और प्लेस, इसकी शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, फाइल मेन्यू में प्लेस शिफ्ट कंट्रोल पी जब प्लेस करेंगे तो ये एक ये फोल्डर खोलने के लिए बोलेगा, या फिर जो फाइल हमने बनाया था उसको खोलेंगे। तो ये हमने बनाया था प्लेस करके, ये फाइल सेव किया था, इसको हमें प्लेस करना है। तो इसके नीचे आ जाएं, ये देखें लिंक दे रखा है। लिंक इसलिए कि जिस डॉक्यूमेंट, मतलब ये जो फाइल जब मैं बना रहा था तो ये फाइल हमने सेव किया तो उस डॉक्यूमेंट का ये लिंक बन गया। ठीक है, और जो ये डॉक्यूमेंट है इसका लिंक अलग है। ठीक है, तो इसका लिंक इसलिए अलग है क्योंकि इसमें जो मैं फाइल बनाऊंगा, ठीक है, और इसको अगर हम यहाँ से सेव करेंगे, ठीक है, और कुछ भी हमने डाल दिया, और ये अगर हम यहाँ से सेव कर देंगे तो ये इसका लिंक अलग हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं डिलीट करके, और सॉरी, मैं इस डॉक्यूमेंट को अगर मैं एक बार बंद करके और दूसरे डॉक्यूमेंट में, यानी कि तीसरे डॉक्यूमेंट में खोल रहा हूँ, और जब मैं प्लेस करूँगा तो ये देखें, ये जब बाद में मैंने ये वाली फाइल बनाया था और सबसे पहले ये वाली फाइल हमने सेव किया था। ठीक है, तो हम इस वाले फाइल को अगर हम सेव करेंगे तो ये देखें, इसका लिंक अलग है, इसका लिंक अलग बना है। ठीक है, तो पहले वाला हम खोलेंगे और इसका लिंक यहाँ दे रखा है टिक। ठीक है, तो लिंक ऑप्शन पे मान लीजिए टिक है और अभी के लिए हम इसको प्लेस करेंगे। तो माउस के कर्सर पर देखें, ये प्लेस करने के लिए बोल रहा है। एक बार अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये फाइल इसमें खोलेगा, लेकिन ये क्रॉसिंग का निशान देगा। क्यों? क्योंकि जो ये फाइल थी ये वाली, ठीक है, ये फाइल उस डॉक्यूमेंट का ये लिंक था। ठीक है, क्योंकि इस वाले डॉक्यूमेंट का लिंक अलग है और इस वाले डॉक्यूमेंट जो ये वाला हमने खोला है इसका लिंक अलग डॉक्यूमेंट का है। ठीक है, तो इसलिए ये फाइल ये पूछ रहा कह रहा है कि हमें इम्बेड करने के लिए। ठीक है, जब तक आप इम्बेड नहीं करेंगे तब तक ये फाइल क्रॉसिंग का निशान दे रखेगा। तो जब आप फाइल दूसरे डॉक्यूमेंट का खोलेंगे, प्लेस करेंगे, तो या फिर खोलें या फिर ओपन करें या फिर प्लेस करें, ठीक है, तो अगर दूसरे डॉक्यूमेंट का फाइल रहेगा तो हमें इम्बेड करना पड़ेगा। ठीक है, और वो चीज़ हमें लिंक अगर दे रखेगा तो हमें यहाँ से अनलिंक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इम्बेड कर रहे हैं, ठीक है, और ओके। तो अब देखें ये अनलिंक हो गया। ठीक है, और इस फाइल को अब यूज कर सकते हैं। कब? अभी नहीं, इसको
अनग्रुप करेंगे, ठीक है, और बाकी डिटेल आप देख ही सकते हैं। यहाँ से रिलीज करेंगे और बाकी यहाँ से डिलीट जो भी करना हो, ये इसमें पावर क्लिप है या क्लिपिंग मास्क है, तो जितना अगर बॉक्स दे रखेगा उतना हमें। अब ये देखें, ये इसको हम यूज कर सकते हैं। ये देखें, ये मैटर, ये देखें, ये मैटर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये अब इस डॉक्यूमेंट का ये फाइल बन गया, ठीक है। तो और जो दूसरी वाली फाइल थी, अगर हम उसको प्लेस करेंगे, यानी कि ये वाली, और यहाँ से देखिए जो लिंक है इसको अगर हम प्लेस करेंगे तो यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार हमने माउस को क्लिक करके ड्रैग किया तो वो वाली फाइल यहाँ पे खुली, ठीक है। और ये भी कह रहा है कि हमें इम्पोर्ट करें ताकि हम इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन सके, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे डॉक्यूमेंट का ये हिस्सा है, इसीलिए ये क्रॉसिंग का निशान दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ इम्पोर्ट करेंगे, अब इसको हम यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो प्लेस का मतलब आप समझ गए, ठीक है, और लिंक ऑप्शंस में जो दे रखा है, तो इसको हम एक बार डिलीट करते हैं और दोबारा जब जाते हैं प्लेस में, तो जिस फाइल को हमें ओपन करना है तो उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखें लिंक जो ऑप्शन है, अगर हम लिंक को हटा करके यहाँ टेम्पलेट कर रहे हैं और ओके कर रहे हैं, प्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें ये जो फाइल है हमारा, ये फाइल यहाँ से लॉक में आ रहा है, ठीक है। और ये जो ऑप्शन अभी देख रहे हैं, यहाँ से हमें एम्बेड का ऑप्शन करना पड़ेगा। तो अब देखें ये फाइल इस फाइल का हिस्सा बन गया, यानी इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा ये फाइल बन गया, ठीक है। बाकी इसमें अनग्रुप करें, फिर यहाँ से रिलीज कर दें ताकि यह से पावर क्लिप से हट जाए, ठीक है। और दूसरी तीसरी ऑप्शन, जब आप प्लेस करेंगे, ठीक है, कोई भी फाइल मान लीजिए, ठीक है, मैं इसको एक बार और कर रहा हूँ, और यहाँ से देखें इसके नीचे इस लिंक को हटा करके हम यहाँ से अगर हम शो इनपुट ऑप्शन कर रहे हैं, ठीक है, ये शो इनपुट ऑप्शन ये कह रहा है रिप्लेस, उसी पे हमें रिप्लेस ये ऑप्शन देगा, तो ये रिप्लेस का ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है, खैर। और मैं आने वाले वीडियो में कमेंट करना, खैर मैं बता दूंगा, और ऐसे भी आप देख लेना रिप्लेस का मतलब क्या होता है, यानी कि फाइल खोलने के बाद दूसरी बार इस पर खोल सकते हैं, रिप्लेस का मतलब आई थिंक यही होता है। और शो इनपुट ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जब भी आप फाइल को प्लेस करेंगे डॉक्यूमेंट पे, तो ये आपका पॉपअप आएगा, ये पॉपअप में उस फाइल को शो करेगा कि ये फाइल ऐसे खुलेगा, ठीक है, और इसमें ऑप्शन दे रखेगा कि क्रॉप टू मीडिया में खोलेंगे या फिर ब्लेड या फिर ट्रिम या फिर क्रॉप या आर्ट, ये ब्रांडिंग बॉक्स, ठीक है। तो मैं मीडिया में खोल रहा हूँ और ओके, और ये कुछ कह रहा है द डॉक्यूमेंट कंटेंट पीडीएफ ऑब्जेक्ट दैट हैव बीन इंटरप्रेटेड I think the preserve appearance some tags has been outlines। ये कह रहा है कि आपकी जो मैटर है, जब ये फाइल खुलेगी तो ये आउटलाइन में खुलेगी, यानी कि जब हम फाइल को खोलेंगे यहाँ पे, हमने क्लिक करके ड्रैग किया, जब हम फाइल को खोलेंगे तो ये फाइल तो खोलने के लिए खुल जाएगा, लेकिन जब आप इसको अनग्रुप करेंगे, और मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, और इसको रिलीज करेंगे, तो ये जो मैटर है आपका, इसमें डबल क्लिक करेंगे तो ये मैटर आपका तो मिलेगा, ठीक है, लेकिन जब ये वाला
ये वाला ऑप्शन हटाएंगे तो यहाँ देखें कुछ ऑप्शन थोड़ी सी अलग ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, ये जो बॉक्स थे, इस बॉक्स के नीचे ये जो कलर ऑप्शन था ये थोड़ा अलग कर दिया, थोड़ी थोड़ी सी मैचिंग अलग है, कम बेसी इसमें चलता है। जब आप ओपन करेंगे इसे, प्लेस करेंगे फाइल को, ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, आप देख लेंगे। और यहाँ से अगर लिंक करके मैं कर रहा हूँ, या फिर टेम्पलेट में खोले या फिर लिंक, इसके कहने का मतलब ये है कि जब भी आप फाइल को प्लेस करेंगे तो या फिर लिंक हटा दें या फिर टेम्पलेट करें। ठीक है, अगर हम टेम्पलेट में कर रहे हैं और ये शो इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करके और प्लेस करेंगे फाइल को ओपन, तो ये हमें कुछ पॉपअप दिखाएगा और ये कह रहा है कि यहाँ से लिंक हट जाएगा और आपका ये फाइल शो करके पहले दिखाएगा और फिर ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए ये फायदा है, मतलब अगर आप कोई फाइल अगर डाउनलोड करके धरे हैं तो उस फाइल को अगर हमें नए डॉक्यूमेंट में खोलना हो इलस्ट्रेटर में, तो आपको आपका मतलब ये है कि सॉरी आपको प्लेस जब करेंगे उस फाइल को तो इस डॉक्यूमेंट में आपको एम्बेड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि वो फाइल दूसरे डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता है। ठीक है, और ये जो हमारा डॉक्यूमेंट दिख रहा है ये दूसरी लिंक का हिस्सा है। ठीक है, यानी कि जो फाइल हम डाउनलोड कर रखेंगे वो दूसरे डॉक्यूमेंट का ये लिंक होता है। ठीक है, तो कभी कभी देखे होंगे कि गूगल पे या किसी साइट पे उस पर जो फाइल आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें लिंक ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, जिस मान लीजिए फ्रिपिक का साइट है और एक वेक्टर ग्राफिक या फोटोग्राफी कुछ बहुत सारे इसमें मिलते हैं, फ्री में भी मिलता है, प्रीमियम में भी मिलता है, शटर स्टॉक वगैरह। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब आप फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो लिंक के साथ आता है, यानी दूसरे डॉक्यूमेंट का वो लिंक होता है। जैसे ये इलस्ट्रेटर का डॉक्यूमेंट है और इसमें हम कोई भी फाइल बनाएंगे और साइट पर डाल देंगे तो ये हमारा डॉक्यूमेंट का लिंक साइट पर रहेगा, यानी कि जब आप दूसरे कंप्यूटर में या सॉफ्टवेयर से खोलेंगे किसी सॉफ्टवेयर में तो मेरे डॉक्यूमेंट का लिंक यानी उस पर वो खुलेगा। ठीक है, तो प्लेस का मतलब आप समझ गए होंगे कि प्लेस, जब भी हम प्लेस करेंगे किसी फाइल को या फिर लिंक को हटा देंगे, ठीक है, या फिर लिंक को रहन देंगे और सारे टिक करके, इससे कोई मतलब नहीं है, तो हमारा शो ऑप्शन फाइल दिखाएगा। बाकी टेम्पलेट का जो ऑप्शन है तो जाहिर सी बात है कि आप फाइल को जब खोलेंगे तो, या फिर अगर लिंक से खोलेंगे तो आपको यहाँ से एम्बेड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से एम्बेड करना पड़ेगा, जब एम्बेड कर देंगे, ओके कर देंगे तो ये फाइल इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, अगर अगर आप दोबारा हम कर रहे हैं तो उस फाइल को अगर यहाँ से लिंक हटा करके टेम्पलेट कर देंगे और ओके ओके तो ये फाइल एम्बेड करके नहीं देगा बल्कि आपको ये ओपन फाइल में ये दे देगा। तो आई थिंक आपको प्लेस के बारे में समझ में आ गया, यानी कि हाउ टू प्लेस अ फाइल इन द डॉक्यूमेंट, यानी कि एक फाइल को हम डॉक्यूमेंट में कैसे खोलते हैं, यानी कि प्लेस करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप प्लेस के बारे में समझ गए होंगे कि एक फाइल को हम कैसे डॉक्यूमेंट में प्लेस करते हैं। ठीक है, और वो फाइल किसी दूसरे डॉक्यूमेंट का हिस्सा अगर है तो उसे हम एम्बेड कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं तो इसमें ऑप्शन दे रखता है फाइल मेन्यू में। ठीक है, तो ये मेन्यू में यानी फाइल मेन्यू बार, तो इसमें ऑप्शन है कि जब आप प्लेस करेंगे तो जब भी आप प्लेस करेंगे तो नीचे आपका ऑप्शन दे रखता है। ठीक है, लिंक ऑप्शन,
या फिर फाइल को लिंक से ही खोलेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट में, जैसे मान लीजिए हम इसको खोल रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट में यहाँ पे इम्बेड करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर वहाँ से ऑप्शन अनलिंक कर देंगे तो आपको, आपके लिए आसान रहेगा, इम्बेड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, और जो समझ में आया है तो उसको कमेंट करना जरूर, और मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी और मुझे और कमेंट करना, बताना, ताकि मैं आपको बता सकूं, ठीक है। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू, बाय बाय।